हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प एम के। आज आप लोगों को दिखाएंगे, ये होंडा कंपनी का पोर्टेबल जनरेटर है और ये 7000 VA का जनरेटर है, 7000 VA का ये जनरेटर है। इसमें आप लोग क्या क्या चला सकते हैं आप लोगों को दिखाएंगे, स्टार्ट करके दिखाएंगे, लोड दे के आप लोगों को दिखाएंगे, इसमें कितना खर्चा आएगा वो भी बताएंगे। इसमें दो सिस्टम है, इको मोड पर चलाते हैं तो आप लोगों को कम खर्चा आएगा वो भी सिस्टम दिखा देंगे और कितना खर्चा आएगा बताएंगे। ये साइलेंट जनरेटर है, पोर्टेबल जनरेटर है, मॉडल है EU70IS, FI सिस्टम है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। इसका करंट क्या प्राइस चल रहा है अभी वो भी इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे और इस जनरेटर को स्टार्ट करके दिखाएंगे, बैटरी कैसे फिटिंग होता है, इंजन ऑयल कितना लगता है, इंजन ऑयल का ग्रेड क्या होता है आप लोगों को बताएंगे, इसमें कितना दिन वारंटी मिलेगा, सर्विस क्या मिलेगा इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए पेटी को खोल लेते हैं और देखिए, सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। ये दोनों जनरेटर का स्टैंड का नीचे लगता है, ये लोहे का होता है पूरा स्टील का, और दोनों व्हील मिलता है आप लोगों को दिखाएंगे, चाका जिसको कहते हैं। देखिए ये सॉलिड लोहे का है और ये जंग रदोक होता है, ठीक है। ये एसी आउटपुट प्लग मिलेगा जनरेटर का, जहां पर एसी आउटपुट होता है वहां पर ये लगता है, और सर्विस मैनुअल बुक मिलेगा, 2 साल वारंटी मिलेगा इस जनरेटर पर, और फ्री सर्विस मिलेगा, 3 आप लोगों को फ्री सर्विस मिलेगा, मतलब 3 फ्री सर्विस मिलेगा आप लोगों को। और ये एक स्पार्क प्लग रेंज मिलेगा और ये एक सेल मिलेगा जो फ्रेम के साथ फिटिंग होता है। इस जनरेटर पर बड़ा सा 2 व्हील रहता है, चाका दोनों तरफ 2 चाका रहता है, तो इसको फिटिंग करना होगा चेचिस के साथ। और ये फिटिंग करना वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने इस वीडियो में दिखाया है डिटेल्स कैसे फिटिंग करता है, ये वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अब इस जनरेटर को पेटी से निकाल लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए पेटी से जनरेटर को निकाल लिए हैं आप लोग देख सकते हैं, और ये पोर्टेबल जनरेटर सेट है और इसका जो कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है। हमने व्हील फिटिंग कर लिया, नीचे का जो स्टैंड और व्हील होता है, और इसको आप मूव कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, और ये जो हैंडल है ये लॉक दबा के नीचे कर सकते हैं तो ये और छोटा हो जाएगा, और मूव करने का टाइम हैंडल उठाना होगा। और इस जनरेटर का ड्राई वेट है 123.2 kg, और ड्राई वेट मतलब पेट्रोल टैंक पर पेट्रोल नहीं रहेगा, इंजन पर इंजन ऑयल नहीं रहेगा। और मेरे ख्याल से इंडिया में जितना पोर्टेबल जनरेटर है सबसे ज़्यादा बिकने वाला जनरेटर होता है होंडा कंपनी का, और इस कंपनी का बहुत सारा सर्विस सेंटर है इंडिया पर। गूगल पर सर्च करने से होंडा कंपनी का बहुत सारा सर्विस सेंटर का एड्रेस और फ़ोन नंबर मिल सकता है, और कंपनी का फ़ोन नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, हम हमारा हिसाब से आप लोगों को बता रहे हैं। होंडा जनरेटर का बहुत दिन से हम काम करते हैं तो मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहे हैं, आगे आपका मर्जी। देखिए ये है फ्यूल टैंक, और इस टैंक का कैपेसिटी है 19.2 लीटर इसका कैपेसिटी है। और एक चीज़ दिखाना चाहते हैं, देखिए रेड दिखाई दे रहा है, इस रेड का मतलब है ये रेड के ऊपर पेट्रोल नहीं डालना चाहिए, इसीलिए ये रेड सिंबल दिया हुआ है। और दिखा देते हैं, ये है फ्यूल मीटर, अब लोगों का टैंक पर कितना फ्यूल है, कितना पेट्रोल है, यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा। अभी व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है, पेट्रोल रहने से रेड होगा, जितना ज़्यादा रेड रहेगा उतना ज़्यादा पेट्रोल टैंक पर है। और देखिए यहाँ पर FI लिखा है, मतलब फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है। इस जनरेटर पर कार्बोरेटर नहीं है, इस जनरेटर पर फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है। और दिखाते हैं ये डिजिटल डिस्प्ले, आई मॉनिटर जिसको कहते हैं, इस आई मॉनिटर पर बहुत सारा सिस्टम दिया हुआ है आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए ये चाबी ऑन करना पड़ता है, ये मेन स्विच है, उसके बाद ये दबाने से इंजन स्टार्ट हो जाता है। ये है आउटपुट इंडिकेटर, इंजन स्टार्ट करने के बाद ये लाइट जलेगा, मतलब आउटपुट दे रहा है। और ये है ओवरलोड लाइट, अगर आपका जनरेटर पर ओवरलोड पड़ गया है तो ये लाइट जलेगा। और ये है ऑयल अलर्ट इंडिकेटर, अगर आपका इंजन पर इंजन ऑयल नहीं रहता है तो ये लाइट जलेगा, इसका बहुत अच्छा सा काम है। मान लीजिए इंजन ऑयल चलते चलते ख़त्म हो गया तो इंजन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, इंजन स्टार्ट नहीं होगा, वो इंजन को सीज करने से रोकता है, फिर इंजन ऑयल डालना होगा, उसके बाद इंजन स्टार्ट होगा, इसको ऑयल अलर्ट कहता है। ये बहुत अच्छा सा काम है, इसका फंक्शन आप लोगों को हम दिखा देंगे। और ये है आई मोनिटर, यहाँ पर बहुत कुछ शो होगा, बैटरी लगा के आप लोगों को दिखाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को वोल्टेज मिलेगा 230, और फ्रीक्वेंसी है 50, और रेटेड आउटपुट है 5.5 kVA, और मैक्सिमम आउटपुट है 7.0 kVA, मतलब 7 kVA फेज 1, मतलब सिंगल फेज ये जनरेटर है। इसमें आपको रेटेड आउटपुट पर लोड देना है, मैक्सिमम आउटपुट पर नहीं। और ये है एसी आउटपुट, यहाँ से
आउटपुट ले सकते हैं। तीनों प्लग का सेम आउटपुट है। और यह है इको थ्रॉटल स्विच। इस स्विच का फंक्शन हम आप लोगों को बताएंगे, क्या करने से खर्चा कम आएगा। और बैटरी फिटिंग कर लेते हैं, इंजन ऑयल डाल लेते हैं, इंजन स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर बैटरी रहता है और बैटरी का जो कनेक्शन होगा, बैटरी का प्लस टर्मिनल पर रेड वायर और बैटरी का माइनस टर्मिनल पर ब्लैक वायर, जैसे हमने दिखा रहे हैं। और ये जो बैटरी है 12 वोल्ट का बैटरी है, 11 एएच का बैटरी है। तो देखिए बैटरी फिटिंग हो गया। अब आई मॉनिटर ऑन करके आप लोग को दिखा देते हैं क्या सिंबल दिखाई देगा। तो देखिए आई मॉनिटर पर ऑयल लिखा आ रहा है, देखिए ओ आई एल, ऑयल मतलब ऑयल नहीं है। और ये ऑयल अलर्ट इंडिकेटर जल रहा है, मतलब इंजन पर ऑयल नहीं है, अब इंजन स्टार्ट नहीं होगा। अगर इंजन का ऑयल ख़त्म हो जाता है चलते चलते, तो ऐसा सिंबल आप लोगों को दिखाएगा। अब इंजन ऑयल डालना आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए ये कवर खोल के इंजन ऑयल डालना पड़ता है और ये फिलर कैप खोल लेना होगा, ये जो फिलर कैप है, उसके बाद इंजन ऑयल डालना पड़ता है। इंजन ऑयल का ग्रेड होगा 10W30 और इंजन ऑयल का कैपेसिटी है 1100 ml, इस पर इंजन ऑयल लगता है। आप लोग कोशिश कीजिएगा लेवल पर देने के लिए। लेवल क्या होता है आप लोगों को दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर थेट पर इंजन ऑयल आएगा, यही है सटीक लेवल। अगर गिरता है तो ज़्यादा हो गया और थेट पर इंजन ऑयल नहीं आया है तो कम हो गया। इंजन ऑयल डालने का यही है सटीक प्रोसेस। तो चलिए अब इंजन स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो देखिए कभी बैटरी डाउन हो जाता है, चाबी पर नहीं स्टार्ट होता है, तो ये रिकॉइल खींच के आप लोग इंजन स्टार्ट कर सकते हैं। ये रिकॉइल टालने से ही इंजन स्टार्ट हो जाएगा। अगर बैटरी डाउन हो जाता है तो रिकॉइल से ही ये जनरेटर स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ऑयल लिखा रहा था और लाइट जल रहा था, दोनों ही बंद हो गया ऑयल डालने पर। अब इंजन स्टार्ट करके दिखा रहे हैं। तो देखिए ये स्विच दबाने से ये जनरेटर स्टार्ट हो गया है और साउंड आप लोग सुन सकते हैं। और इस जनरेटर का जो नॉइज लेवल है, साउंड पावर लेवल, वो 86 डेसिबल है। आप बताते हैं इस जनरेटर पर क्या क्या चला सकते हैं। तो देखिए इसमें 2 AC चल जाएगा डेड टोन का। अगर इन्वर्टर AC होगा तो 3 भी चल सकता है, अगर धीरे धीरे लोड देते हैं तो। इसमें 3 HP का सबमर्सिबल पंप चल जाएगा, डीप फ्रीज चल जाएगा, गीजर चल जाएगा और हीटर चल जाएगा। इसमें USG मशीन चल जाएगा, जेरोक्स चल जाएगा और इसमें डेंटलिस्ट, दांतों का जो डॉक्टर होता है, उसका कॉम्प्रेसर मशीन और एक्सरे मशीन आराम से चल जाएगा। इसका कैपेसिटी के अंदर रह के सब कुछ चलाना होगा। जनरेटर का जो रिटेड आउटपुट होता है उसके अंदर रह के चलाना होगा। और इस जनरेटर का रिटेड एम्पियर है 23.9 एम्पियर। और इस जनरेटर का जो प्राइस है वो भी बता देते हैं। इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है 2,42,800 रुपया, 2,42,800 अभी इसका प्राइस है। ये जो प्राइस है, हमने प्राइस लिस्ट अनुजाई प्राइस बताया है। अगर आप लेने जाते हैं तो इससे कम प्राइस में आप लोगों को मिलेगा। आप बताते हैं इस जनरेटर पर कितना फ्यूल खर्चा होता है एक घंटा पर, और क्या करने से फ्यूल कम खर्चा होगा, कम फ्यूल खाएगा। तो देखिए ये इको थ्रॉटल मोड स्विच है, इस स्विच को ऑफ रखते हैं तो आप लोगों का अप्रोक्स खर्चा होगा एक घंटा में 2 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल लग सकता है। और ये लोड के हिसाब से हेरफेर होगा। और इस स्विच को ऑन रखते हैं तो आप लोगों का अप्रोक्स खर्चा होगा 1 लीटर 600 ml, ये अप्रोक्स बता रहे हैं। और ये तब भी ऑन रखना है जब आपका घर पर 1000 लोड रहेगा, तब इसको ऑन रखना है। 1000 लोड से ज़्यादा रहेगा तो इसको ऑफ रखना है। मान लीजिए आप इसको ऑन रखे हैं और लोड ज़्यादा है, इस जनरेटर पर ऑटोमेटिक एडजस्ट करने वाला सिस्टम है, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। लेकिन ये बार बार होने से, अगर मान लीजिए इसको ऑन रखे हैं और आपका लोड ज़्यादा है तो ये बार बार होगा तो सिस्टम खराब हो सकता है। 1000 लोड होने पे इसको ऑन रखिए और उससे ज़्यादा लोड होगा तो इसको ऑफ रख के चलाइए। ऐसा है इको थ्रॉटल मोड स्विच का सिस्टम। अब इस जनरेटर को लोड टेस्ट करके आप लोगों को दिखा देते हैं। तो देखिए हमने आउटपुट कनेक्शन कर लिए हैं, अब आप लोगों को दिखाते हैं लोड टेस्ट बेंच पर लोड दे के। तो देखिए ये है लोड टेस्ट बेंच, यहाँ पर वोल्टेज दिखा रहा है, देखिए वोल्टेज पूरा फिक्स्ड है। और ये है फ्रीक्वेंसी, आप दिखाते हैं बल्ब जला के। देखिए ऊपर में जितना व्हाइट वाला बल्ब है सब 500 वाट का है। तो देखिए 1000 वाट, 1500 वाट, 2000 वाट, 2500 वाट, ऐसे करके लोड हम दे रहे हैं। देखिए 3000 वाट हो गया है, सब बल्ब जला लेते हैं। और इस जनरेटर पर जितना रिटेड आउटपुट है उससे ज़्यादा लोड देंगे। तो देखिए हमने
500 वाट करके 1300 बल्ब जलाया है, 6500 वाट हुआ और 200 वाट का एक बल्ब जल रहा है, 6700 वाट हो गया है। उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है 6150 VA, हमने लोड दिया है 6700 और यहाँ पर दिखाई दे रहा है 6150, तो वाट से VA थोड़ा सा कम होता है इसीलिए दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए वोल्टेज नहीं ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज फिक्स्ड है, मूव नहीं कर रहा है वोल्टेज का काटा, और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो भी ठीक है। इसमें ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज मैच करने वाला UPS लगा हुआ है, इसीलिए ये फिक्स्ड है इतना लोड पर भी। और 500 लोड दे के आप लोगों को दिखा देते हैं, देखिए और 500 लोड दे दिया, मतलब ये लोड हो गया 7200। मैक्सिमम जो कैपेसिटी है इस जनरेटर का 7 KVA, हमने 7 kW का लोड दे के आप लोगों को दिखाया है। और यहाँ पर आप लोगों को फिर एक बार दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पर शो कर रहा है 6550 VA, वाट से VA थोड़ा सा कम होता है इसीलिए दिखाई दे रहा है। अब आप लोगों को दिखा देते हैं RPM, तो देखिए इंजन का जो RPM है 3520 RPM पर इतना वाट का लोड ले पा रहा है, ये हुंडा जनरेटर है इसीलिए इतना लोड ले पा रहा है। और ये कोई दूसरा जनरेटर होता तो इससे ज़्यादा RPM लेता, इंजन बहुत ज़्यादा आवाज़ करता गाई गाई करके, और ये हुंडा जनरेटर है इसीलिए लोड ज़्यादा देने पर भी RPM ठीक रहता है। और आप लोगों को ओवर लोड पर चलाना नहीं है, जनरेटर का जो रिटेड आउटपुट होता है उस पर चलाना है, हमने आप लोगों को टेस्ट करके दिखाया है। और इस पर आप लोग म्यूजिक सिस्टम भी बजा सकते हैं, जो बड़ा बड़ा बॉक्स होता है, टॉप होता है, AC चलेगा, वीडियो पर आप लोगों को बताया है, गीजर चलेगा, डीप फ्रीज चलेगा, USG मशीन, अल्ट्रासोनोग्राफिक मशीन चलेगा, और लाइट पंखा तो चलेगा ही। और इसी तरह जनरेटर का आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं, दूसरा मॉडल का वीडियो देखना चाहते हैं, दूसरा कंपनी का वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर वीडियो है, जाकर आप लोग देख सकते हैं, और वो सब वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और इसी तरह आप लोग नया नया वीडियो देखना चाहते हैं, जनरेटर रिपेयर करना वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, टेक्निकल हेल्प M के चैनल को सब्सक्राइब करने से होगा क्या, हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों को मिल जाएगा। और बगल में बेल का आइकन ऑल नोटिफिकेशन करके रखिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं दूसरा वीडियो में।